अस्सलाम वालेकुम अभी। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों में से? एक बात बता, आवाज आप लोगों को आ रही है? स्टूडेंट्स आप में से कोई बात आईकॉन कर रहे हैं या मैसेज बॉक्स में बता। मोटर पढ़ने का तरीका देखा था, सर्वो मोटर पढ़ना, उसके लिए हमारे पास सर्वो मोटर एक हेडर फाइल अवेलेबल होती है, तो यूज़ करते हुए हम सर सर आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है सर। स्टूडेंट्स आप कनेक्टिविटी का इशू कर रहा है इसमें, आप अपना स्पीकर वॉल्यूम देखे आपने फुल किया हुआ है? स्पीकर वॉल्यूम थोड़ा आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। सर फिर भी कम आ रही है, फुल है। यहाँ से तो मैंने फुल फुल की हुई है। यस सर अब ठीक है, अब सही आई आवाज़। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल हमने सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग जो है वो देखी थी, उसमें हेडर फाइल को हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो हेडर फाइल का बेनिफिट ये होता है कि हेडर फाइल में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है फंक्शंस बने हुए होते हैं, तो जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में या किसी भी स्केच में आर्डिनो की टेक्नोलॉजी में, तो उस हेडर फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप एट्रीब्यूट्स के तौर पे उस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्वो मोटर की हेडर फाइल आपने यूज़ की है, तो जैसे आप इनपुट और आउटपुट के लिए कमांड यूज़ करते हैं, डिजिटल राइट और डिजिटल रीड या एनालॉग राइट, एनालॉग रीड, तो इसकी अपनी जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपनी कमांड्स होती हैं इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। जैसे हमने सर्वो मोटर के लिए डॉट अटैच की कमांड यूज़ की थी, या उसको डाटा सेंड करने के लिए हमने डॉट राइट की कमांड यूज़ की थी, तो हम उस हेडर फाइल से कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मतलब हेडर फाइल को हम एज अ डाटा टाइप यूज़ करते हैं, और फिर डाटा उसकी मतलब एक वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उस वेरिएबल को लिख के वेरिएबल डॉट उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम, ये उस हेडर फाइल में इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस पहले से ही बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएं, जैसे एक प्रोग्राम हमने बनाया था लास्ट वीक टेम्परेचर कन्वर्जन का, जिसमें हम पहले सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, उसके बाद हम उसको फॉरन हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सेंटीग्रेड और फॉरन हाइट के लिए हमने सेपरेटली
फंक्शंस बनाए थे विद इन द प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम जो था मतलब लूप का फंक्शन जो था उसमें हमने उन फंक्शंस को कॉल किया था। तो उसमें होता ये था कि सिर्फ इनपुट जो है हमारी वो फंक्शन में जाती थी और वहाँ से कैलकुलेट होके जो वैल्यू होती थी वो रिटर्न हो जाती थी। तो इसी तरह यहाँ भी इसी तरह होता है कि आपकी जो भी हेडर फाइल के अंदर फंक्शन होते हैं वो कॉल हो जाते हैं और वहाँ से वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाती है। अच्छा, आज इसी में फर्दर एक जॉयस्टिक की एग्जांपल देख लेते हैं। जॉयस्टिक का आप लोगों को पता होगा कि ये मतलब एज अ गेम कंट्रोलर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या इसमें जस्ट लाइक जैसे आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करते हैं माउस पैड के साथ, उससे मिलता जुलता इसको आप कह सकते हैं कि इसमें आप फिंगर स्क्रॉल करके कर्सर को लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मूव करवा सकते हैं, लेकिन माउस पैड जो है इसकी रेंज ज़रा वाइड होती है और जो आपकी जॉयस्टिक होती है वो एक स्मॉल सर्कल के फॉर्म में होती है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो उसमें आप देखेंगे अगर आप जॉयस्टिक पे फिंगर स्क्रॉल करें और उसको राइट साइड पे कर्सर को मूव करें तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन या स्क्रीन के एजिस पे जाके मतलब वो कर्सर रुक जाता है। मतलब मज़ीद राइट स्क्रॉल करेंगे तो वो कर्सर मतलब अपोजिट साइड से अपने होगा बल्कि उसी साइड पे स्टक हो जाएगा। मतलब राइट साइड पे भी इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। राइट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप और बॉटम, मतलब चारों एंड्स पे इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट होती है कि वहाँ तक आपका कर्सर जाता है और उसके बाद स्टक हो जाता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं किस तरह होगी। अच्छा, ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो गई होगी। जी, स्क्रीन आप लोगों के पास आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम जो पिंस हमने यूज़ करनी है उसको कोई नेम दे लेते हैं, कांस्टेंट, इंटीजर। अच्छा, अब इसमें जॉयस्टिक जो है उसमें यूँ समझ लें कि एक आपका एक्स एक्सिस है अगर आपने लेफ़्ट राइट मूव करना है, और एक आपका वाई एक्सिस है कि अगर आपने वर्टिकली मूव करना है। तो इन दो के लिए हम दो एनालॉग पिन्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेंगे कि जॉयस्टिक की जो पिन्स होती हैं जिस तरह आपका पोटेंशियोमीटर होता है उसी तरह आपकी ये जॉयस्टिक होती है। इसमें थ्री पिन्स होती हैं, एक पिन होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, एक पिन होती है वर्टिकल मूवमेंट के लिए और एक पिन होती है सिग्नल के लिए कि वो फाइनली सिग्नल सेंड करते हैं कि आपने जॉयस्टिक पे कितना राइट मूव किया और कितना मतलब कितना एक्स एक्सिस पे मूव किया और कितना वाई एक्सिस पे मूव किया। तो इसमें एक पिन कर दें पिन एक्स, एक्स एक्सिस के लिए पिन एक्स कर लें और इन दोनों के लिए हमने कोई सी एनालॉग पिन्स जो हैं यूज़ करनी है क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही होगी।
इसी तरह वाई एक्सिस के लिए आप और इसमें भी एनालॉग पिन में से कोई एक पिन तीसरी आपकी पिन होगी कि जो वैल्यू सेंड करेगी ये आपकी होगी इसमें आप कह सकते हैं कि मतलब जॉयस्टिक लेफ्ट राइट जितनी भी मूवमेंट हुई है उसको मतलब जॉयस्टिक जॉयस्टिक के टर्म में वैसे कह रहे थे कि वो उसको उस पोजीशन को मतलब जॉयस्टिक फायर कर देती है जॉयस्टिक पिन फायर इसको कह देते हैं कि मतलब जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस की पोजीशन है वो जॉयस्टिक फायर कर देगी ये है पिन डिक्लेरेशन। इसके अलावा जॉयस्टिक की क्या कहते हैं टोटल जो मूवमेंट होती है वो तकरीबन होती है 1000। जैसे आपकी पोटेंशियोमीटर है उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है 1023। तो जॉयस्टिक में भी हॉरिजेंटल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे 1000 होती है। तो अब इसमें अज्यूम कर लेते हैं उसकी जैसे हमने आपकी जो जैसे ब्राइटनेस के लिए वेरिएबल एक हमने ज़ूम किया था कि जब वैल्यू 255 मैक्सिमम थी तो हमने मिडल में 128 पे रखा था और फिर उसके वो पोटेंशियोमीटर लेफ़्ट और राइट जाता था। तो इसमें जॉयस्टिक में भी हम कर्सर को क्या कहते हैं दरमियान में किसी पोजीशन पे रख लेते हैं। इसके लिए हम इसके इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका कर्सर जो है वो सेंटर में कहीं होगा। अच्छा इसमें लेट्स सपोज वो दरमियान में आपका होता है 500 सेंटर में मतलब 1000 को हम हाफ कर देते हैं तो हाफ से तकरीबन इसको नाम दे लेते हैं लेफ्ट मूव। मतलब कर्सर अगर आपका सेंटर में है तो वो टोटल स्क्रीन अगर 1000 है तो वो सेंटर से लेफ्ट 500 जाएगा। कॉपी कर लेते हैं सेंटर से लेफ्ट 500 जाएगा और इसी तरह सेंटर से राइट अगर कर लें वो भी 500। मतलब हमने अज्यूम किया है कि वो कर्सर आपका इनिशियली जो है वो सेंटर में है उसके बाद वो 500 लेफ्ट मूव कर सकता है और 500 राइट मूव कर सकता है। ऐसे ही आप सर जी वालेकुम सलाम। सर ये पिन फायर क्या आ गया, आपकी आवाज़ ना अटकनी शुरू हो गई, तो पिन फायर से ज़रा दोबारा बता दूँ। हाँ अच्छा ठीक अच्छा इसमें पिन फायर के बारे में बता रहा था कि हमने अज्यूम किया है कि कर्सर आपका बाय डिफ़ॉल्ट या स्टार्टिंग में सेंटर पोजीशन पे है तो सेंटर से वो हाफ हाफ द वे राइट साइड पे मूव कर सकता है हाफ द वे लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है। तो टोटल स्क्रीन जो है वो मतलब उसकी वैल्यू 1000 है तो कर्सर हमने अज्यूम किया कि वो सेंटर में है या इनिशियल पोजीशन उसकी सेंटर में रखी है तो वो 500 लेफ्ट मूव कर सकता है और 500 राइट मूव कर सकता है। इसी तरह वो
500 रहेगा और 500 डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये लेफ्ट राइट को अप कर दें और इसको डाउन कर दें, तो ये मतलब आपका जो जॉयस्टिक का कर्सर है ये सेंटर में है, और इसको आप 500 राइट लेफ्ट टॉप या बॉटम पे मूव कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। मतलब इससे आगे वो स्टक हो जाएगा, इसके आगे आप जॉयस्टिक को अगर मूव करते भी रहेंगे तो वो कर्सर आपका उसी पोजीशन पे रहेगा। अच्छा, सेटअप में अब हमने इसकी कंडीशन कोई डिफाइन करनी है, सेटअप में सॉरी पिन डिक्लेरेशन होती है, ये तो अभी हमने सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं कि पिन को हमने नेम दे लिए हैं और इनकी जो पोजीशन है लेफ्ट राइट अप डाउन उनको भी हमने जो नेम है वो असाइन कर दिए हैं। अच्छा, आपकी सेटअप में अब हमने इनपुट का आपको बताया था, अगर आपने एनालॉग पिन यूज़ करनी है तो उसमें पिन मोड की कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एनालॉग पिन्स सिर्फ इनपुट के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, तो उसको अगर आप पिन मोड के थ्रू इनपुट डिक्लेयर ना भी करें तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लें तो भी ठीक है, ना भी करें तो वो इनपुट ही इनपुट के तौर पे यूज़ होनी है, वो कंपाइलर जो है उसको इनपुट ही कंसीडर करेगा, वो सिर्फ डिजिटल पिन जो है उसके लिए मस्ट होता है कि आपने इनपुट या आउटपुट लाजमी डिक्लेयर करना है, एनालॉग पिन्स क्योंकि इनपुट के तौर पे यूज़ होती हैं वो आपकी मर्ज़ी है आप डिक्लेयर करें या ना करें, लेकिन जो डिजिटल पिन है डिजिटल पिन पिन नंबर 2 जो है इसको डिक्लेयर करना होगा। ये पिन नंबर 2 है, इसको हमने नेम दिया हुआ है पिन फायर, ये आपकी इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। ठीक है, बाकी बाकी अदर 2 पिन्स हैं वो भी इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही हैं, लेकिन क्योंकि एनालॉग हैं तो वो हम उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पुल अप रजिस्टर के लिए आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी डिजिटल पिन पे आपने पुल अप रजिस्टर लगाना है तो उसके लिए क्या होता है कि जिस डिजिटल पिन को आपने क्लियर कर दिया उस पे आप डिजिटल राइट की कमांड सेंड करें, तब ये पिन फायर जो है ये आपकी इनपुट पिन है, इसी पिन को आप हाई करते हैं, हाई करेंगे तो ये आपका अब जो पिन है इस पे पुल अप रजिस्टर लग जाएगा और ये एक्टिव लो हो जाएगा, मतलब जब तक इनपुट नहीं आएगी इस पे 5 वोल्ट अपीयर होंगे और जब इनपुट आएगी तो इस पे 0 वोल्ट अपीयर होंगे, क्योंकि वो बटन प्रेस करने से वो या इस पे जॉयस्टिक में भी, क्योंकि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये इसमें एक बटन होता है सेंटर में कि कर्सर को स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके जब आपने क्लिक करना है तो आप बटन प्रेस कर देते हैं जिसको आप मतलब फायर का नाम दे दिया, तो अगर आपने एक्टिव हाई पे रखना है कि आप चाह रहे हैं कि बटन प्रेस करने पे 5 वोल्ट अपीयर हो और जब बटन प्रेस नहीं किया 0 वोल्ट अपीयर हो तो आप हाई के बजाय इसको लो कर दें, लो करेंगे तो ये पुल अप रजिस्टर लगने के बाद मतलब इनिशियल पोजीशन पे 0 अपीयर होगा, बटन प्रेस करने पे क्या कहते हैं 5 वोल्ट अपीयर होंगे। अच्छा, इसी को आप करना चाह रहे हैं सीरियल मॉनिटर पे भी देखना चाह रहे हैं अगर, इसी को अगर हमने सीरियल मॉनिटर पे देखना है तो सीरियल मॉनिटर के इनिशियलाइजेशन भी हमने सेटअप में ही
इनिशियलाइजेशन की कमांड भी सेटअप में ही देनी होगी। उसके लिए होती है सीरियल डॉट बिगिन, और इसके बाद ब्रैकेट में आता है बॉड रेट। बॉड रेट मीन्स के नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी बिट्स आपकी ट्रांसफ़र होंगी वो बॉड रेट कहलाता है। ये 9600 होता है। ये थी डिक्लेरेशन। इसके बाद लूप में अब हमने जो टास्क परफॉर्म करना है। अच्छा, अब हमने जो दो एनालॉग पिंस जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, उसमें हम इनकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन जो हैं वो सेव करेंगे। तो इसमें इंटीजर मतलब एक समझ लें एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और एक आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। तो इसमें आप एक वैल्यू आप कर लें एक्स एक्सिस के लिए, और इसमें जो वैल्यू सेव होगी वो एनालॉग रीड के थ्रू सेव होगी। ठीक है, एनालॉग रीड में जो एक्स एक्सिस का सिग्नल आ रहा है वो आपका A3 से आ रहा है, जिसको हमने पिन एक्स का नाम दिया है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वाई एक्सिस के लिए हमने वैल्यू स्टोर करनी है। तो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर वैल्यू वाई, मतलब वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी, और एनालॉग रीड के थ्रू हम वाई एक्सिस पे जो जो जिस एनालॉग पिन पे लगाया है वो A4 है, और A4 को हमने पिन वाई का नाम दिया है। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हम दो वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद यही वैल्यूज़ अगर आपने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवानी है, जैसे हमने टेम्परेचर की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई थी कि जो भी वैल्यू आ रही थी वो हमने सीरियल डॉट प्रिंट के थ्रू करवाई थी सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ भी आप सीरियल डॉट यूज करेंगे। इसके जो ब्रैकेट है इसमें अगर आप डबल कोटेशन में लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो एज इट इज़ स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होगी, और अगर विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं तो वो वेरिएबल कंसीडर होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ आप मतलब सीरियल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, तो इसमें लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू है वो हम उसका वेरिएबल प्रिंट करवा लेते हैं, तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। दोबारा सीरियल प्रिंट। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ हम इसके जो वेरिएबल हमने स्टोर किया है वैल्यू एक्स, तो अब ये एक्स एक्सिस पे जो भी पोजीशन है वो प्रिंट हो जाएगी। एक्स एक्सिस इक्वल टू मतलब उसकी 0 से लेके 1000 के दरमियान जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताई थी कि प्रिंट, और एक और कमांड होती है प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन यूज़ करने से क्या होता है कि अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन प्रिंट होगी वो अगली लाइन में प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में। अदरवाइज अगर हम सिंपल प्रिंट यूज़ करते हैं तो अगली लाइन उसके आगे से प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम अगली वैल्यू वाई एक्सिस की प्रिंट करवा देते हैं।
अब ये वाई एक्सिस जो है ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, और यहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू स्टोर हो रही है, वैल्यू वाई, और यहाँ भी इसको प्रिंट लाइन की कमांड यूज़ कर लें ताकि इसके बाद जब नेक्स्ट कोई वैल्यू प्रिंट होनी है तो वो अगली लाइन में प्रिंट हो। अच्छा, अब जॉयस्टिक के लिए कंडीशन हम डिफाइन कर देते हैं कि उसने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करना है कि वो आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट है, राइट है, टॉप है या बॉटम है। तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ इफ के बाद ब्रैकेट में इसकी कंडीशन आएगी, और जो भी कंडीशन ट्रू होने पे हमने टास्क परफॉर्म करने वो कर ली ब्रैकेट्स के इन बिटवीन। अब इसमें हमने इसकी चारों पोजीशन जो हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उसको चेक करेंगे कि इफ़ लेफ्ट राइट के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज़ होगी, इफ़ वैल्यू एक्सिस अच्छा, इसमें ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी सेम है, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम, उसको सेम ही वो कंसीडर करेगा। या इसको चलें देख लेते हैं इसी तरह। अच्छा, हमने लेफ़्ट साइड के लिए वेरिएबल किया लेफ़्ट मूव, एक्स एक्सिस पे अगर जो वैल्यू है वो लेफ़्ट मूव से कम है तो इसमें वो ये कंडीशन ट्रू होने पे वो प्रिंट करवा देगा सीरियल डॉट प्रिंट। मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो 300 से 500 से कम है, तो इसका मतलब है आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, नेक्स्ट अब मल्टीपल कंडीशंस के लिए आपको बताया था कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उसके लिए आप else if की कमांड मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे, और जो आखिरी कंडीशन होगी उसमें सिर्फ else की कमांड यूज़ करेंगे। तो इसमें else if की कमांड else if की कमांड यूज़ करेंगे तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, और सिंपल else की कमांड यूज़ करेंगे तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अब ये हमने किया है लेफ़्ट के लिए, अब इसमें राइट के लिए कर लें। कि अगर आपकी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन राइट, ग्रेटर देन राइट मूव मतलब अगर ये वैल्यू जो है वो 500 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि आपका कर्सर जो है वो राइट साइड पे है।
मतलब ये आप सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, कर्सर की जो पोजीशन है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं कि कर्सर आपका लेफ्ट पे है, राइट पे है, टॉप पे है या बॉटम पे है। अब ये लेफ्ट राइट के लिए हो गए। अब इसमें नेक्स्ट एल सेव करते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है वाई एक्सिस के लिए कि इफ वैल्यू वाई इज लेस देन, वाई एक्सिस पे आपका है अप डाउन। ठीक है, इसमें डाउन के लिए है डाउन मूव, लेस देन डाउन मूव। मतलब अगर ये वैल्यू 500 से कम होगी तो इसका मतलब है कि ये आपका कर्सर जो है वो ये आपका मतलब बॉटम वाली साइड पे। हमने एज इट इज मतलब प्रिंट करवाना तो ये डबल कोट्स और इसमें डाउनवर्ड या डाउन इसमें लिख लेंगे। इसमें थर्ड फोर्थ कंडीशन जो है अच्छा, फोर्थ कंडीशन आपकी लास्ट है तो इसमें अगर आपने कंडीशन के साथ लिखना है तो एल्स इफ की कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपने विदाउट कंडीशन लिखना है तो आप सिंपल एल्स लिख के सीरियल डॉट प्रिंट अपवर्ड लिख देंगे, लेकिन इसमें बहरहाल हमें कंडीशन क्योंकि बाकी भी दी हैं तो इसकी भी हम कंडीशन देना चाहेंगे तो कंडीशन देना चाहेंगे तो हमें एल्स इफ भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं दे सकते। तो ये वैल्यू वाई अगर ये ग्रेटर देन है अपवर्ड के लिए हमने अप मूव, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू ग्रेटर है 500 से तो इसका मतलब है ये आपका कर्सर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम नाम दे लेते हैं अपवर्ड, ठीक है। तो ये कर्सर की सिर्फ पोजीशन जो है आपके सीरियल मॉनिटर पे शो होगी कि ये आपने जब उसको स्क्रॉल किया है तो वो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने जो चेक करना है वो आपने देखना है कि ये तो आपने एनालॉग पिन्स पे जो इनपुट लगाई थी वो आपने चेक की है अभी। अब हमने देखना है जो डिजिटल पिन पे जो हमने इनपुट दिया है उसकी फायरिंग के लिए या हमने जो सर जी सर जी लास्ट वाले में सिर्फ एल्स नहीं आएगा? एल्स में ये है कि अगर आपने विदाउट कंडीशन लिखना है तो आप सिंपली एल्स लिख देंगे। अगर आप कंडीशन क्योंकि हमने बाकी थ्री कंडीशंस दी हैं तो फोर्थ कंडीशन भी हम लिखना चाह रहे हैं तो उसमें हमने एल्स इफ यूज़ कर लिया है। अदरवाइज़ फिर ये है कि अगर आप सिर्फ एल्स लिखेंगे तो कंडीशन नहीं उसमें देंगे, सिंपली आप एल्स लिख के सीरियल डॉट प्रिंट अपवर्ड लिख देंगे। कंडीशन लिखनी थी इस वजह से हमने एल्स इफ यूज़ कर लिया है। तो ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। लास्ट वाले की बात कर रहा था, सबसे हाँ, लास्ट वाले। लास्ट वाला जो है ना ये आप ये लास्ट वाला आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। सिंपल अगर आपने एल्स यूज़ करना है तो ये कंडीशन नहीं आएगी, मतलब लेट्स सपोज आप एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल ठीक ये हो चीज़ गया। रहेगी। लेकिन अगर आपने कंडीशन लिखनी है तो फिर एल्स इफ
एल्स इफ यूज़ करेंगे अगर कंडीशन लिखनी है। ओके तो ये ओके सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने बाकी 3 कंडीशंस यूज़ की हैं तो फोर्थ कंडीशन को मेंशन करने के लिए हमने एल्स इफ यूज़ कर लिया है। शुक्रिया। अच्छा, इसमें अब हम डिजिटल बटन पे जो इनपुट दे रहे हैं उसको चेक करना चाहेंगे, उसके लिए भी इफ़ की कमांड यूज़ करेंगे। बटन की इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल जैसे हम एनालॉग के लिए एनालॉग रीड की कमांड यूज़ किए, डिजिटल के लिए हम डिजिटल रीड की कमांड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी कोई वेरिएबल शुरू में ही होना चाहिए था, जैसे वैल्यू एक्स वैल्यू वाई, तो यहाँ आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दें वैल्यू फायर, और यहाँ हम डिजिटल राइट के थ्रू, सॉरी डिजिटल रीड के थ्रू जो आपकी डिजिटल पिन है उससे वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। अब ये आपकी जो पिन थी पिन नंबर 2, और इसको हमने पिन फायर का नाम दिया हुआ है, तो यही आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पिन फायर पे जो भी वैल्यू अपीयर होगी वो आपकी वैल्यू फायर में सेव हो जाएगी। वो क्योंकि बटन के फॉर्म में हमने पुल अप रजिस्टर लगा दिया, तो वो दो ही ऑप्शन होगी, या तो वो हाई होगी या लो होगी, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, सॉरी ब्रैकेट आएगी। वैल्यू फायर सिंगल इक्वल टू का साइन हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट के तौर पे, कि अगर किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के इक्वल असाइन करना है, और अगर हमने चेक करना है सिर्फ, तो चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमने पुल अप रजिस्टर लगाया है, पुल अप रजिस्टर ये लगा हुआ, ये हमने लो पे रखा है। लो मींस के जब आप बटन प्रेस करेंगे तो हाई अपीयर होगा, जब बटन प्रेस नहीं होगा तो वो लो अपीयर होगा। तो हमने ये हाई के लिए चेक करना है, कि बटन प्रेस करने का अगर चेक करना है तो ये हमने हाई के लिए चेक करना है, कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो हाई है तो इस केस में आप कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, या यहाँ इसमें अगर कुछ प्रिंट करवाना है, सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ आप लिख दें कि फायर हमने ट्रम यूज़ किया है, तो लिख दें फायर्ड या प्रेस्ड या कोई इस तरह की ट्रम जो है वो इसमें लिख देंगे। ये मतलब बटन प्रेस अगर आपने किया है तो सीरियल मॉनिटर पे ये प्रिंट हो जाएगा कि वो फायर्ड हो चुका है। अच्छा, इसमें अब दो कंडीशन है, या तो बटन आपका प्रेस है या वो प्रेस नहीं है। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है कि एल्स यूज़ करें, एल्स यूज़ नहीं भी करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इफ़ के बाद जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर आपने कंडीशन मेंशन करनी है तो आप एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। मतलब इसमें तीन तरीके हैं, या तो आप एल्स यूज़ कर लें, एल्स करके एल्स यूज़ करके सीरियल डॉट प्रिंट,
और यहाँ लिखते हैं नॉट फायर्ड, कि इसको प्रिंट के बजाय प्रिंट लाइन कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो अगली लाइन में प्रिंट हो जाए। तो इसमें आप एल्स की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल, या अगर आपने कंडीशन देनी है तो एल्स इफ के साथ ब्रैकेट में आप कंडीशन देंगे वैल्यू फायर इक्वल टू लो, मतलब लो के लिए इसको चेक कर लें, या सिंपल एल्स की कमांड यूज़ कर लें, या अगर कुछ भी ना यूज़ करें मतलब ये आप इसको अगर डिलीट भी कर दें तब भी ये वही ऑपरेशन करेगा जो आपका एल्स की कमांड के साथ करेगा, क्योंकि अगर वो इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली इसी लाइन पे आएगा। तो ये सिर्फ है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि आप एल्स की कमांड यूज़ कर लें बेशक, या एल्स इफ़ की कमांड यूज़ कर लें कंडीशन अगर आपने मेंशन करनी है। तो ये अभी हमने सिर्फ जॉयस्टिक जो है उसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम उसको स्क्रॉल करके सिर्फ हमने प्रिंट करवाया कि ये आप का जो है क्या कहते हैं किस पोजीशन पे है जॉयस्टिक का कर्सर जो है। अब इस पे अगर आपने मज़ीद कोई ऑपरेशन करवाना है वो आप करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई एलईडी ऑन ऑफ़ करवानी है, या आपने कोई जैसे सर्वो मोटर थी या कोई और एक्चुएटर है वो आपने कंट्रोल करना है, वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या होगा कि जैसे एलईडी लगानी है तो यहाँ आप एक एलईडी के लिए पिन असाइन कर दें, एलईडी के लिए पिन नंबर 3 डिजिटल कर लें। तो आपका जब ये बटन प्रेस होता है, आप क्या आ रहे हैं बटन प्रेस होने पे एलईडी भी ऑन हो जाए, तो यहाँ आप डिजिटल राइट के थ्रू तो आपकी एलईडी है पिन नंबर 3 पे लगी हुई है। अच्छा, ये नाम नेम देने का इसका मकसद ये होता है कि पिन नंबर आप कंफ्यूज होने के बजाय आपको नाम पता है, आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मतलब एक रूटीन बन जाएगी कि आपने एलईडी के पिन को क्या नाम देना है, आपने सर्वो मोटर की पिन को क्या नाम देना है। तो वो आप नेम जो है वो आपके जहन में रहेंगे, पिन नंबर से फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पिन नंबर के बजाय उसका नेम हाई कर दिया तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप ये एलईडी आपकी ऑन हो गई है, तो एलईडी अगर एक दफ़ा आपकी पहले से ऑन है, अगर तो ऑन नहीं है तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एलईडी पहले से ऑन है तो वो ऑफ़ नहीं होगी। तो ये आपको एलईडी को यहाँ ऑफ़ करवाना पड़ेगा। तो इसी की जगह आप कोई मोटर भी लगा सकते हैं। मोटर मोटर पे अगर आपने उसकी हेडर फाइल यूज़ की है तो डॉट राइट की कमांड से मोटर एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसको रन करवा सकते हैं, या उसमें फिर एनालॉग राइट के थ्रू उसको मूव करवा सकते हैं। तो ये भी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इन दोनों को फिर मर्ज करके देख लें, जॉयस्टिक और सर्वो मोटर वाले प्रोग्राम को। तो इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर चूंकि वो जॉयस्टिक्स कभी यूज़ नहीं किए तो सर ये फायर वाले बटन का सर पर्पस समझ नहीं आ रहा। ये इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जो जैसे आपका ये होता है ना माउस पैड होता है, माउस पैड पे आप स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के साथ ही नीचे बटन दिया होता है, एक या दो बटन दिए हुए होते हैं कि स्क्रॉल करने के साथ ही आपने जिस पोजीशन पे क्लिक करना है आप बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये जॉयस्टिक का ये होता है कि ये स्क्रॉलिंग के साथ ये थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में होता है, तो कंटिन्यूसली आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और जिस पोजीशन पे आपने क्लिक करना है वहीं आप उसको प्रेस कर देते हैं। मतलब उसके सेंटर में एक नीचे बटन होता है, गेम कंट्रोलर जैसे होता है ना कि आपने उसको
लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मूव करना है, वो कंटिन्यूसली कर्सर मतलब मूव हो रहा होगा, और किसी भी पोजीशन पे जहाँ आपने बटन प्रेस करना है या फायर, इसमें एग्जांपल इस तरह की ले सकते हैं कि जैसे बचपन में आप लोगों ने कोई ये गेम्स वगैरह जो होती हैं, ये सेगा वगैरह पहले आती थी, तो इसमें वो बर्ड्स फायरिंग वाली कोई गेम होती थी, उसमें हम एक पिस्टल से स्क्रीन पे जो है, जब पिस्टल को हम स्क्रॉल करते थे तो वो स्क्रीन पे एक पॉइंट होता था, वो मूव करता था, और जब हम बटन करते थे तो फायर होके वो हम उसको शॉट डाउन कर लेते थे। तो जॉयस्टिक भी इसी तरह है, जब आप उसमें फिंगर स्क्रॉल करेंगे तो कर्सर आपका मूव करता रहेगा, और जैसे ही प्रेस कर देंगे तो उसी पोजीशन पे वो मतलब फायर हो जाएगा। मतलब यूँ समझ लें कि ये कोई गेम ऐसी है कि जिसमें आप कोई टारगेट को हिट कर रहे हैं, कि आप कर्सर को स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाएंगे और बटन प्रेस करेंगे तो वो फायर होकर टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब इसको देख सकते हैं, मतलब बटन प्रेस करने को फायरिंग का नाम दे दिया है। अच्छा, ये क्लियर क्लियर है आपको जॉयस्टिक का? यस। कि और किसी का कोई क्वेश्चन कोई जहन में आ रहा हो? जी क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें। अच्छा, ये एक और चीज़, कल आपके वो क्लास वालों ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि हैक्स फाइल जो है वो किस तरह जनरेट होती है, वो टाइम इसमें ख़त्म हो गया है, तो इसको जब हम कंपाइल करते हैं, ये आपका ये वेरीफाई करने के बाद जब आप ये अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो इसकी जो फाइल्स हैं ये, बल्कि फिर नेक्स्ट टाइम ही देख लेंगे, या अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने कल बताया था वो हैं तो वो शेयर कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, ये वैसे अगर अगर हम नहीं भी करें अभी तो ये प्रैक्टिकल में हमने करना था, ये आपके होपफुली 20th of July से लैब सेशन स्टार्ट होने, तो ये क्या कहते हैं प्रोटियस पे जो हमने सिमुलेशन करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आनी है, तो इस पे बेशक हम थ्योरी में भी देख लेंगे। तो आज के लिए ठीक है, फिर इतना वाइंड अप करते हैं, बाकी फिर मज़ीद हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आई थिंक कोई क्वेश्चन मज़ीद नहीं है, कोई है तो पूछ लें, अभी भी कोई मसला नहीं। जी सर, ये लैब सेशन ये ऑनलाइन होगा? लैब सेशन का इस तरह है कि क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ 15th of July के बाद ओपन हो रही है या नहीं हो रही, अगर तो ओपन हो जाएगी तो फिर वो नॉर्मल जिस तरह होती हैं उसी तरह होंगी, अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती फिर ये ऑनलाइन ही कुछ देखा जाएगा इसका। सर जी सर अगर हम लोग प्रोटीज के बजाय अगर वही टिंकर कैड को यूज़ कर लें, क्योंकि सर हम लोग उसमें रियल टाइम के अंदर जो सीरियल मॉनिटर पे और उसके साथ साथ सर उसके अंदर जो है वो वाइड रेंज है आपके पास ऑपरेटर्स की एज कम्पेयर टू प्रोटीज, अगर वो यूज़ कर लें। हाँ, इसमें देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसको भी। ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक सिंपल प्रोग्राम जो हमने बनाए हैं उन्हीं में से कोई एक जो है ना उस पर चला के देख लेते हैं, तो वो ताकि सब
को मतलब अंडरस्टैंड हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलें आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस आपकी मैं डाउनलोड कर लूँगा, तो आज के लिए फिर इतना ही है। फिर अपना ख्याल रखिएगा, सो होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ओके बाय।